दीदी, समीर के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बहुत सुंदर एवं सुशील है, घर के कामों में निपुण है। अभी अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, रेखा जी ने अपनी बड़ी बहन गीता जी से कहा। गीता जी ने सीधा यही सवाल किया, दहेज कितना देंगे? दीदी, वो लोग दहेज नहीं देंगे, वो लोग दहेज के खिलाफ हैं। तो फिर वहाँ शादी भी नहीं होगी। मुझे कम से कम 10 लाख रुपये दहेज चाहिए, तभी मैं समीर की शादी करूँगी। रेखा जी ने कहा, दीदी कहीं दहेज के चक्कर में ऐसी लड़की से समीर की शादी ना हो जाए जो इस घर के सुख शांति को भंग कर दे और बाद में आपको पछताना पड़े। रेखा, तू भाषण मत दे, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, कहकर रेखा जी चल दी। रेखा जी पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि कहीं दीदी दहेज के चक्कर में समीर की ज़िंदगी न बर्बाद कर दे। गीता जी और रेखा जी का घर एक ही शहर में था, इसलिए अक्सर आना जाना लगा रहता था। एक दिन रेखा जी शाम को बालकनी में बैठी चाय पी रही थी, तभी मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। रेखा जी ने देखा गीता जी का फ़ोन आ रहा था। उन्होंने फ़ोन रिसीव करते हुए बोला, दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ रेखा, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है दीदी? समीर की शादी तय हो गई है, पूरे 10 लाख रुपए दहेज मिल रहे हैं, पैसे भी उन लोगों ने खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मुबारक हो दीदी, जैसा आप चाह रही थी वैसा ही हो रहा है, कहकर रेखा जी ने फ़ोन रख दिया। समीर की शादी हो गई। रेखा जी भी शादी में गई थी। एक महीने तो गीता जी ने बहू से घर के काम करने को नहीं कहा, लेकिन उसके बाद एक दिन सुबह सुबह उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, बहू सुबह हो गई है, उठो, आज से घर के काम तुम संभाल लो, मुझे आराम करने दो। तभी बहू किरण ने दरवाज़ा खोला और कहा, आपको आराम करना है तो नौकरानी रख लीजिए, मैं नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम करूँगी और आप आराम करेंगी। बहू की बात सुनकर संगीता जी सन्न रह गईं। उन्होंने कहा, लेकिन बहू, घर के काम तो सारी बहुएँ करती हैं। करती होंगी, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मेरे पापा ने 10 लाख रुपए घर में झाड़ू बर्तन करने के लिए नहीं दिए हैं। बहू की बात सुनकर गीता जी को जैसे चक्कर सा आ गया, वो चुपचाप खुद ही काम में लग गई। संडे का दिन था, किरण ब्यूटी पार्लर गई थी, तो मौका देखकर गीता जी ने समीर से कहा, तू अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं है? कब तक मैं अपने हाथ जला जला कर तुम लोगों को खिलाती रहूँगी? समीर बोला, माँ, वो मेरे बस की नहीं है। मैं उससे कुछ भी कहता हूँ तो कहती है 10 लाख रुपए दिए हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। मुझसे अगर किसी बात के लिए ज़बरदस्ती करोगे तो दहेज प्रथा का केस करूँगी। धीरे धीरे किरण के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। चाय नाश्ता और खाने में थोड़ी भी देरी होती तो वो घर में तूफान मचा देती। एक दिन गीता जी की आँख लेट से खुली तो चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, तो किरण ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। आज गीता जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी, सारा काम तू करेगी, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। किरण ने कहा, काम तो मैं नहीं करूँगी, जा रही हूँ आपके घर से, चलो समीर। गीता जी ने कहा, समीर कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा बेटा है, वो यहीं रहेगा। किरण हंसते हुए बोली, समीर आपका बेटा था, आपने उसे 10 लाख में बेच दिया है, अब वो सिर्फ मेरा पति है, वो मेरे साथ जाएगा, और अगर आप रोकने की कोशिश करेंगी तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। किरण समीर को लेकर चली गई। गीता जी वहां सोफे पर बैठकर रोने लगी। उन्हें रेखा जी की कही हुई बातें याद आ गई कि दहेज के चक्कर में ऐसी लड़की से समीर की शादी ना हो जाए जो इस घर के सुख शांति को भंग कर दे और बाद में आपको पछताना पड़े। गीता जी ने रेखा जी को फ़ोन लगाया और फौरन आने को कहा। दीदी बात क्या है? कुछ नहीं, तू फौरन आ जा, वो रोते हुए बोली। 1.5 घंटे में रेखा जी गीता जी के यहाँ पहुँच गई। गीता जी रेखा जी के गले लगकर खूब रो रही थी और कह रही थी, रेखा, मैंने तेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। आज 10 लाख दहेज के चक्कर में घर की सुख शांति तो भंग हो ही गई है और वो मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैं क्या करूँ? रेखा, तू कुछ करना, मेरे बेटे को वापस ले आ। तू तो जानती है समीर के पिता के मर जाने के बाद मैंने कितनी तकलीफ़ों से दोनों भाइयों को पाला है। अरे हाँ दीदी, तेरे छोटे बेटे राजीव के लिए एक रिश्ता है, वो लोग 10 लाख देने के लिए तैयार हैं। भाड़ में जाए 10 लाख, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो राजीव के लिए संस्कारी लड़की चाहिए। मेरी नज़र में एक संस्कारी लड़की है तो, लेकिन वो लोग दहेज नहीं देंगे, रेखा जी ने कहा। मैंने कान पकड़ लिया है, मैं अब दहेज नहीं लूँगी, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। रेखा, तू किरण से बात करना, मैं उसके 10 लाख लौटा दूंगी,
वो मेरे बेटे को छोड़ दे। दीदी कैसी बात करती हो, समीर उसका पति है, वो क्यों छोड़ेगी अपने पति को। हाँ हो सकता है मैं बात करूँ तो वो दोनों घर वापस आ जाएं। हाँ तो बात करना, लेकिन दीदी फिर आपको ही सारे काम करने पड़ेंगे। करूँगी, मैं अभागी हूँ, गलती मैंने की है तो सज़ा भी मैं ही भुगतूंगी। रेखा जी ने फ़ोन पर किरण से बात की तो समीर और किरण दूसरे ही दिन घर वापस आ गए। अगली सुबह गीता जी और रेखा जी अभी बेड पर ही थीं, तब तक किरण चाय लेकर आ गई और दोनों को उठाकर दोनों के पैर छुए और दोनों को चाय दिया। उसके बाद किरण ने नाश्ता बनाया, लंच बनाया, डिनर बनाया, गीता जी और रेखा जी को खिलाया और पूरे दिन गीता जी को एक भी काम नहीं करने दिया। ये परिवर्तन देखकर गीता जी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तब रेखा जी ने कहा, ये वही लड़की है जिसका मैं रिश्ता लेकर समीर के लिए आई थी, और अब तक जो ड्रामा हो रहा था वो तुम्हारे आँख पर पड़े दहेज के पट्टी को हटाने के लिए हो रहा था। इस ड्रामे में किरण, उसके घर वाले, समीर और मैं भी शामिल थी। अब तक तुमने दहेज वाली बहू को देखा है, अब बिना दहेज वाली संस्कारी बहू को देखना, और हाँ वो 10 लाख किरण के पापा को लौटा देना। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।